इस वक्त हम खंदारी के जवाहर नगर में मौजूद हैं और जवाहर नगर में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और कविता पाठ भी यहां किया गया है। मेरे साथ में वरिष्ठ कवि मौजूद हैं जिन्होंने इस मंच से जो श्रोताओं को कविता पाठ सुनाया है उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को? दरअसल हमारी भावना केवल ये है कि हमारे जो समाज का जो हर एक व्यक्ति है वो इस संगठन से जुड़े, हमारी अपनी जो मांगे हैं उन मांगों के साथ जो आज ज़माने की रफ्तार है उसमें हम शामिल हो करके अपने उन फर्ज सहित उन अधिकारों की अब मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सबसे पहले ये है कि हम लोग अपने सौहार्द भावना आपस में मेलजोल के लिए हमने ये आयोजन किया है और इसमें कवि लोगों ने भी जो रचनाएं पढ़ी हैं वो ये कहना चाहिए कि खास तौर से इसी उद्देश्य से कविताएं पढ़ी गई हैं। धनगर जमात से आते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम देखे जाते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन इस तरह के मंच जब सजते हैं तो कितनी खुशी होती है इसको। यहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं पिछले 60 वर्ष से इस साहित्य सेवा में लगा हुआ हूँ और ईश्वर की दया से मैं देश के बाहर भी कविता पाठ करने गया हूँ, लेकिन ऐसे ये जो सम्मेलन जातिगत होते हैं इनकी भी आवश्यकता इसलिए है कि ये अभी तक हमारे समाज के अंदर, ये चाहे इसको रोग कहिए, संक्रामक रोग कहिए, कुछ भी कहिए, अभी दूर नहीं हुआ है और हम इन इकाइयों में बट करके फिर जुड़ करके सैकड़ा बना सकते हैं, हज़ार बना सकते हैं, लाख बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे विचार प्रगति की ओर नहीं जा पाएंगे, ये मेरा सोच है। जी, नाम जानना चाहूँगा? मैं घनश्याम होलकर भरतपुर राजस्थान से हूँ। होलकर साहब, क्या कुछ सीख देते हैं इस तरह के जब कार्यक्रम आयोजन होते हैं, समाज को किस तरह की एक सीख मिलती है इस तरह के? हमारा ये अपनी रचनाओं के माध्यम से कौम के युवाओं को विशेषकर गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेवे, अपने महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य करें, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कार्य करें, अपनी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो अपने आप में एक रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको तोड़ते हुए आज की मुख्य धारा में जुड़ें, यही हमारा प्रयास रहता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। समाज को अगर ज़रूरत माने तो किस तरह की ज़रूरतें हैं जो विकास की ओर ले जा सकती हैं, उत्थान की ओर ले जा सकती हैं? खास करके अगर शिक्षा का महत्व की बात करें तो वो शिक्षा एक समाज को या समाज विशेष को किस तरह से बढ़ा सकती है? बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का बात है, शिक्षा में भी आदमी शिक्षित बने, लेकिन शिक्षित बनने के साथ साथ में दीक्षित बने। आज की जितनी भी टेक्निकल शिक्षाएं हैं उनको भी लें, लेकिन अपनी गौरवशाली जो परंपराएं हैं, कि जैसे कि हम अपने आप में पशुधन या हमारा दूध का जो व्यवसाय है, आज देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो दूध के व्यवसाय पर भी अन्य लोगों ने काबिज हो गए, हम अपने आप में इस देश के लिए अब दाता के रूप में रहे, पशुपालन के साथ साथ पर्यावरण, धर्म, संस्कृति से हमारा नाता रहा है, तो हम आज पशुपालन से जुड़े हुए लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि आज बदलते परिवेश में हम अपनी टेक्निकल जो अपने कार्य हैं उनमें भी बदलाव लाएं। आज समय बदल रहा है, हम भी बदलें, यही हमारा प्रयास है। समय बदल रहा है, हम भी बदलें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से हैं आप? जी, हम अलीगढ़ से आए हैं, गाफिल स्वामी हमारा नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम का संदेश, इसका जो उद्देश्य है होली मिलन के माध्यम से प्रेम का संदेश है। और चार लाइन के माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि प्रेम के हर रंग को स्वीकार कर देखो, रंग नफरत का सदा दुत्कार कर देखो, जिंदगी भर रंग की बरसात होगी, प्रेम से तुम प्रेम का रंग डार कर देखो। तो यह संदेश है हमारे समाज के लिए और इसका उद्देश्य यही है कि प्रेम से ही हम किसी समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेम से ही देश का विकास कर सकते हैं, प्रेम से ही किसी भी व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, देश का भला हो सकता है, प्रेम से। ये संदेश, सबके अपने अपने विचार हैं,
कोई प्रेम से समाज का उत्थान मानता है और कोई शिक्षा से समाज का उत्थान मानता है। आज आगरा के खंदारी स्थित जवाहर नगर में धनगर ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ द्वारा कवि सम्मेलन का और होली मिलन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तमाम लोग धनगर समाज के उत्साहित हैं और दूर दराज से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए समाज के उत्थान और विकास के लिए, ऐसा इनका कहना है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।